वक्त है अयोध्या हनुमानगढ़ी। आई होप आप सब वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, शायद आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स सी। बताइए आप लोग कैसे हैं, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई। मैं बहुत ज्यादा बिजी थी बीते दिनों, तो आप लोग बहुत ज्यादा वीडियो को एंजॉय कीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, हम बहुत सारा शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो आप लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ये देखकर हमें बहुत 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 अच्छा लग रहा है। सो ही गाइस, यहाँ से शुरू होता है हनुमानगढ़ी का रास्ता जो मैं यहाँ जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा क्राउडेड था जिसकी वजह से मैंने यहाँ का वॉल्यूम स्लो कर दिया है। अब मैं आप लोग कुछ हनुमानगढ़ी के बारे में बताती हूँ। ये अयोध्या का जन्म राम भूमि स्थल है जहाँ पे श्री राम की जन्म हुई थी। यहाँ छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग मंदिरें बनी हैं जहाँ पे राम भगवान का जन्म हुआ था, राजा दशरथ महल जैसे उनकी जितनी रानियाँ हैं। उसके बाद ये है मंदिर का व्यू जब हम अंदर पूजा करने के लिए गए थे। बहुत सारे लोग देख रहे थे, हम उस वक्त बोल नहीं पा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें, बस मैंने ऐसे ही शूट कर लिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को मैं बताऊंगी कुछ कि वहाँ मंदिर में क्या कैसे। देखिए मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, ट्रस्ट मी गाइस, इतना खूबसूरत है। वहाँ जाकर मैं बाकी सबसे कहूँगी यार प्लीज़ एक बार जाओ, आप लोग जाकर देखो। ये जब हम लोग ऊपर गए हुए थे घूमने के लिए, ऊपर से वहाँ का व्यू जो भी हम लोग वीडियोज़ में देखते हैं, फ़ोटोज़ में देखते हैं, एक्चुअल में उसको काफ़ी एडिटिंग करके बनाया जाता है, वैसे ये रियलिटी है वहाँ की। देखिए ये मंदिर है, जैसा कुछ छत से इसका कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। यहाँ से ये सीढ़ी है, यहाँ से लोग चढ़ के ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद ऊपर से जो व्यू दिखता है, और ये रहा हमारा अयोध्या जो बहुत खूबसूरत है। मतलब क्या ही मैं बोलूँ आप लोगों से यार, प्लीज़ जाओ एक बार देखो आप लोग वहाँ के बारे में। काफ़ी मतलब मन को शांति मिलती है और काफ़ी खुशी होती है, मतलब चीज़ें देखकर लगता है कि हमने कुछ ओरिजिनल चीज़ें देखा है। अभी वहाँ पे काफ़ी काम चल रहा है, जहाँ ये तो हनुमानगढ़ी है जहाँ पे हनुमान जी का स्थल है, लेकिन जो श्री राम भूमि जन्मभूमि है वहाँ हम लोग नहीं कहते क्योंकि अभी वो काम चल रही है और शायद एक दो साल और लगेंगे वहाँ पर। तो ये है ऊपर से मंदिर का व्यू जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मैं वीडियो में आ ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा कि आप शूट कर दो मेरा वीडियो, तो यहाँ पे मैं ऐसे वीडियो शूट कराते हुए, वैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स भी शूट कराया था जो मैं नहीं डाल पाई। वैसे गाइस आप लोग प्लीज़ जाएँ, यहाँ जाकर घूमें, देखें यहाँ की मंदिर, वहाँ के लोगों से मिले, ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। अयोध्या सिर्फ नामों में ही नहीं है, वो दिल से अयोध्या है। आप लोग जाओ गाइस, देखो घूमो ये अयोध्या पूरा, देखो काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। मार्केट्स, अलग अलग महल, अलग अलग रानियों का जो भी कमरे वहाँ पे, बताया जाता है कि जितनी सारी रानियाँ थी राजा दशरथ की, उन सब की अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग उन सब का एक एक महल है। और ये है वहाँ की सरयू नदी जहाँ पे मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। यहाँ कुछ आंटी थी वहाँ आसपास की जो लोग यहाँ पे, गाइस मैं एक फैक्ट यहाँ का बताना चाहूँगी कि जो भी जाता है और ऐसे अगर बोट में घूमना चाहे या स्टीमर में घूमना चाहे, एज यूजल जो जिसकी लाइक जो भी हो वो घूमना चाहे, वो लोगों से ये लोग काफ़ी ज़्यादा रेंट लेते हैं कि इनका भाड़ा इतना इतना। बट आप लोग मेरा माने तो आप प्लीज़ सब लोग मिलकर, जितने भी वहाँ लोग होंगे, जो लोग चढ़ने के लिए खड़े रहते हैं बोट में या शिप में, आप सब मिलकर मिनिमम प्राइस में 200-300 में घूम सकते हैं ऐसे, वरना वो लोग पर हेड 300 मांगते हैं। बट प्लीज़ गाइस इसका आप लोग ध्यान रखें।